नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण शर्मा, न्यूरोसर्जन, सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर में हूँ। आज विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस है। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन के अंदर कई प्रकार की जो गांठें होती हैं उनको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। उन गांठों की ग्रोथ कितनी हो रही है, कितने दिन में हो रही है, उस आधार पे उनको चार हिस्सों में WHO के द्वारा डिवाइड किया गया है। ग्रेड 1 और 2 कम बढ़ने वाली या कम कैंसर वाली गांठें होती हैं। ग्रेड 3 और 4 अधिक बढ़ने वाली, अधिक वाली कैंसर वाली गांठें होती हैं। ब्रेन ट्यूमर के जो लक्षण हैं उसमें सबसे पहले सिर में दर्द होना या सिर के दर्द के साथ उल्टी आना या अर्ली मॉर्निंग हेडेक होना, हाथ पैर में लकवा हो जाना, आवाज़ व समझ में चले जाना, आँखों से कम दिखना, दौरे पड़ना इत्यादि हैं। इस प्रकार के लक्षण किसी मरीज को होते हैं तो उसे तुरंत न्यूरोफिजिशियन को दिखाना चाहिए, जो इनका CT स्कैन व MRI ब्रेन का करा करके इन ब्रेन ट्यूमर के बारे में डायग्नोसिस किया जा सकता है। एक बार ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस हो जाए तो ये पता लग जाता है कि वो ट्यूमर ब्रेन के किस हिस्से में है, नसों से कितना दूर है, जो ब्रेन के वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं उनके आसपास है कि नहीं, बोलने या समझने वाली नसों के आसपास है नहीं, हाथ पैर की ताकत के आसपास है कि नहीं, क्योंकि उसके आधार पर ही उस ट्यूमर का हमको ट्रीटमेंट करना होता है। हम ब्रेन ट्यूमर का जो ऑपरेशन करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक ब्रेन का ट्यूमर निकाला जाए मरीज का, और उसके बाद मरीज को भी ऑपरेशन के बाद कम से कम तकलीफ हो, यानी लकवा कम से कम हो या आवाज़ व समझ में फ़र्क ना पड़े। अगर हमारे पास अच्छा माइक्रोस्कोप है और ऑपरेशन थिएटर में अच्छे इक्विपमेंट्स हैं तो आज किसी भी जगह जो ब्रेन में ट्यूमर है 90% साइट्स पे से ट्यूमर को काफ़ी अधिक मात्रा में निकाला जा सकता है, और उसके बाद ऑपरेशन के बाद भी मरीज को दिक्कतें कम होती हैं। जो लेटेस्ट टेक्निक्स ऑपरेशन के लिए हैं आजकल, उसमें एक है ट्यूमर फ्लोरेसेंस। हमारे जो माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें एक लेंस ऐसा आता है कि हम ऑपरेशन के समय जो डाई डालते हैं मरीज को, उस डाई से, उस लेंस में से हम मरीज को जब ट्यूमर को देखते हैं तो वो ब्रेन से अलग चमकता है। तो हम अधिक से अधिक मात्रा में आराम से ब्रेन, नॉर्मल ब्रेन को बचाते हुए उस ट्यूमर को निकाल सकते हैं, जिससे मरीज को कम से कम डेफिसिट हो। दूसरा होता है न्यूरो नेविगेशन सिस्टम। न्यूरो नेविगेशन सिस्टम भी इसीलिए है कि ब्रेन में जो ट्यूमर गहराई में है एवं वो उसके कितना ट्यूमर निकाल चुके हैं, कितना निकलना बाकी है, वो सब हम उससे देख के कर सकते हैं। हमारी जो CT स्कैन और MRI की पिक्चर्स होती हैं उनको हम इंटीग्रेट करके कंप्यूटर में ये काम करते हैं। तीसरा होता है पर ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से भी हम वही देख पाते हैं कि ब्रेन में जो ट्यूमर हमने निकाला वो कितना बचा है, और हमें नॉर्मल ब्रेन को ना हम निकालें, नॉर्मल ट्यूमर को ही निकालें। तीसरा, चौथा है इसमें न्यूरो मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें जब ऑपरेशन करते हैं मरीज का, उस समय हम ब्रेन को खोलते हैं तो ब्रेन के उन हिस्सों में इलेक्ट्रोड लगा के हम ये जांच करते हैं कि मरीज के हाथ पैर की ताकत कहाँ है, आवाज़ और समझ कहाँ है, और उन जगहों से हम दूर रहें जिससे कि ऑपरेशन में सिर्फ ट्यूमर निकालें, ना कि नॉर्मल एरिया है उसको टच करें। एक टेक्निक है अवेक क्रेनोटमी, यानी जागृत अवस्था में मरीज का ब्रेन का ऑपरेशन करना। वो एनेस्थीसिया वाली टेक्निक ऐसी है जिसमें मरीज को बेहोश भी नहीं करते लेकिन हम उसका ऑपरेशन कर सकते हैं बिना उसको पता लगे, और मरीज को हम बात भी कर सकते हैं। अगर हम मरीज का ऑपरेशन के दौरान बाईं तरफ के हिस्से में जहां उसकी आवाज़ समझ है वहां ऑपरेशन कर रहे हैं, हम मरीज को बोलेंगे भी तुम बात करेंगे, अगर वो बात करते करते अटकता है तो हमको पता लगेगा कि हम ऑपरेशन, हमारे को थोड़ा अभी रुकना पड़ेगा, हम आवाज़ और समझ के जगह के आसपास हैं। तो इस प्रकार हम न्यूरो मॉनिटरिंग सिस्टम से भी ब्रेन की इंपॉर्टेंट नसों को और इंपॉर्टेंट एरिया को बचाते हुए गांठ को निकाल पाते हैं, जिससे ऑपरेशन के बाद मरीज को कम से कम लकवा हो या कम से कम उसको नुकसान पहुंचे और वो एक नॉर्मल रूटीन लाइफ को जी सके। अभी आजकल कुछ सेंटर्स पे MRI और CT स्कैन मशीन भी ऑपरेशन थिएटर में होती हैं, पर ऑपरेटिव CT MRI कहते हैं, जिससे कि हम ऑपरेशन के दौरान ही MRI करके देख लेते हैं कि अभी ट्यूमर कितना बचा है और उसको कितना निकालना है। तो इन एडवांसेस के आने के बाद ब्रेन ट्यूमर के बारे में जो भ्रांति होती है कि उसका ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, एक बार ऑपरेशन करा लेंगे तो उसके बाद कभी मरीज ठीक नहीं होता, ये सब गलत है। जो ट्यूमर्स बेनाइन हैं, Grade 1, Grade 2 हैं और कुछ जो Grade 3 भी हैं, या बहुत से ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जैसे मेनिन्जियोमा है जो अक्सर Grade 1 ही होते हैं, या बच्चों में कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो बेनाइन होते हैं, ऐसे बहुत सारे ट्यूमर्स ब्रेन के ऐसे हैं जिनको निकालने के बाद जीवन पूर्ण रूप से काफ़ी समय तक, लंबे समय तक अच्छा जिया जा सकता है।
तो मेरा ये विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस पे यही संदेश है मरीजों को कि अगर किसी को भी इस तरह के लक्षण मिलते हैं या किसी को ये डायग्नोसिस होता है फिजिशियन द्वारा या किसी डॉक्टर द्वारा कि इसके ट्यूमर है, तो एक बार अच्छे सेंटर पे, वेल इक्विप्ड सेंटर पे अच्छे सर्जन को जरूर दिखाएं और अपना इलाज करके जिंदगी को अच्छा बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।